second. Hey, what's up guys and welcome back to the channel Android and Gaming Plus. तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कुछ ऐसा हिडन फीचर जो कि आपके वॉल्यूम और अप डाउन बटन में मौजूद है, जिसको आप यूज़ करके अपने मोबाइल को काफ़ी ज़्यादा अच्छा कस्टमाइज़ कर सकते हो। इनका जो हेल्प की मदद से अपने मोबाइल को काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फीचर नहीं पता होंगे, तो आप शुरू से तक वीडियो को जरूर देखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो जस्ट आपने यहाँ पर अपने प्ले स्टोर में चले जाना है। तो मैं तो यहाँ पर अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पर सर्च बार पर क्लिक करके सर्च कर लेना है बटन मैप पर। तो फ्रेंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी एप्लीकेशन है, जिसकी मदद से अपने मोबाइल को कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो ये फ्रेंड आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी, थोड़े ही एमबी में आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके लिए आपका मोबाइल का रूट होना वो टेम्परेरी या यहाँ पर आपका जो है मोबाइल का रूट होना वो ज़रूरी नहीं होता। तो मैं जैसे यहाँ पर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रखा है, तो उसके बाद आपने इसे ओपन कर लेना है। उसके ओपन होने के बाद यहाँ पर जो है ये आपके लिए कुछ परमिशन मांगेगा, उसको आपने जैसे यहाँ पर अलाउ कर देना है। तो जैसे आपने यहाँ पर बटन मैपर की जो एप्लीकेशन है उसको यहाँ पर परमिशन को ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद यहाँ पर जो है इसका जो एप्लीकेशन जो है एक्टिवेट हो जाएगी। तो मैं जैसे यहाँ पर ऑन पे बटन पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड आ जाता है यहाँ पर जो है होम बटन। होम बटन पर आप यहाँ पर जो कस्टमाइज़ करना चाहें वो क्या कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अपने जो है कस्टमाइजेशन का ऑप्शन ऑफ होगा, तो आपने जैसे थे ऑन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड जो है सिंगल टैप है, यहाँ पर आप क्या शो करना चाहेंगे। तो मैं जैसे यहाँ पर जो है जो रिसेंट ऐप है वो शो करना चाहूँगा, जो मैं आपका होम बटन दबाऊँगा। तो उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड आ जाता है डबल टैप। अगर आप डबल टैप करेंगे तो उसका आपको क्या शो हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर जो है स्क्रीन ऑफ शो हो। तो उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड जो है बटन आप जो हासिल करना चाहें तो यहाँ पर उसका प्रोवर्जन परचेज कर सकते हो। तो उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पर नीचे वॉल्यूम अप और डाउन बटन का जो है कस्टमाइजेशन आ जाता है। वॉल्यूम बटन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा जो है वॉल्यूम अप बटन पर जो फीचर्स होंगे उस पर आप यहां पर जो है कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हो। उसके बाद यहां पर मैं आपको बता दूं यहां पर जो फीचर ऑफ होगा उसको आपने यहां से ऑन कर लेना है। उसके बाद आप यहां पर जो है एप्लीकेशन को यहां पर टैप करेंगे तो जैसे यहां पर जो आप यहां पर कस्टमाइज़ करना चाहें यहां पर आप उसे कस्टमाइज़ कर सकते हो। जैसा कि उसकी ब्राइटनेस को बताना चाहें, यहां पर उसकी जो है वॉल्यूम को म्यूट करना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप कैसे ले सकते हो। तो मैं जैसे यहां पर स्क्रीनशॉट को रख लेता हूं। जस्ट यहां पर सिंगल टैप वॉल्यूम अप बटन पर, तो यहां पर लॉन्ग प्रेस पर आप क्या रखना चाहें वो भी आप रख सकते हो। जैसा कि आप यहां पर जो है डायलर जो है पावर डायलर बटन आप यहां से ला सकते हो। उसके बाद यहां पर फ्रेंड जो है वॉल्यूम डाउन बटन है, आप यहां से उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो, उसको भी ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद यहां पर फ्रेंड आप यहां पर टैप करेंगे तो वहां वॉल्यूम डाउन बटन पर जो आ जाएंगी चीज़ें उसे आप यहां पर शो कर सकते हो। जैसा कि मैं यहां पर आप अपनी जो है किसी भी चीज़ को यहाँ पर रख लेता हूँ। जैसा कि मैं यहाँ पर जो है ट्रैक रख लेता हूँ प्ले एंड पॉज का। उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड मैंने नीचे एक एप्लीकेशन रखा हुआ है और यहाँ पर आप एप्लीकेशन को भी रख सकते हो। यहाँ पर एक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन का भी ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लीजिएगा तो जैसे आपकी जो एप्लीकेशन होगी आपके लॉन्ग प्रेस पर आ जाएगी। यहाँ आपका जो कस्टमाइजेशन बटन रखा होगा उसके बाद जो आप उसको दबाएंगे तो जो एप्लीकेशन आपने चूज़ की होगी वही आ जाएगी। तो मैंने जैसे यहाँ पर 8 बल्ब रखा है, तो ये दो ही ऑप्शन थे यहाँ पर कस्टमाइजेशन के, वॉल्यूम अप और डाउन बटन के और होम बटन के। तो यहाँ पर अब मैं बैक आ जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड देखते हैं मैंने यहाँ पर टैप भी किया है, तो यहाँ पर जो है बटन मैपर एप्लीकेशन जो है परमिशन मांग रहा है। उसके बाद यहाँ पर इसको एक्टिवेट कर देना है। तो मैं जैसे यहाँ पर जो है लॉन्ग प्रेस कर लेता हूँ। तो लॉन्ग प्रेस करने के बाद ये देखें फ्रेंड यहाँ पर जो है मोबाइल जो है ऑफ हो चुका है। तो मैं जैसे दोबारा ऑन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड मैं जो है वॉल्यूम अप बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड देख सकते हैं मोबाइल का जो स्विच ऑफ का ऑप्शन आ चुका है। तो मैं जैसे यहाँ पर वॉल्यूम डाउन बटन को यहाँ पर थोड़ी देर के लिए प्रेस करके रखता हूँ, तो ये देखें फ्रेंड यहाँ पर 8 बल्ब जो है एप्लीकेशन जो है ओपन हो चुकी है। बहुत ही अच्छी यूज़फुल एप्लीकेशन है, इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो फ्रेंड इस एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इस एप्लीकेशन को इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।